टक्कर में ट्रक और स्कॉर्पियो में सीधी टक्कर। बक्सर से पटना बारात जा रही स्कॉर्पियो, सवार 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। आड़ा में व्यवसायी से मारपीट कर 2 लाख लूटे, बकाया पैसे वसूल लौट रहा था फॉर्च्यून डीलर, 6 बदमाशों ने लूटा। पटना पुलिस ने नकली एसटीएफ जवानों को दबोचा, पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस किया बरामद, खाकी वर्दी सहित कई सामान जब्त। छपरा में कार ने 2 छात्रों को रौंदा, इसवापुर में कोचिंग पढ़ने जा रही 2 छात्रों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। शिक्षक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना कल से, नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी इस दिन से शुरू होगा। पूर्णिया में परसुता की मौत पर बवाल, अस्पताल में तोड़फोड़, सुबह ऑपरेशन से हुआ बेटी का जन्म, शाम में मां की मौत, डॉक्टर सहित 5 हिरासत में। सुपौल में रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या, सोए अवस्था में अपराधियों ने सिर में मारी गोली, बगल में सोया पोता जगा तो उस पर भी चलाई गोली। नालंदा में बेपटरी हुई पैसेंजर ट्रेन, टला बड़ा हादसा, रेलकर्मियों की लापरवाही से ड्रिल हुई, महज कुछ फीट चलकर 2 डिब्बे पटरी से उतरे। पैसे नहीं देने पर सौतेले भाई ने चाकू मारा, बेगूसराय में रकम नहीं देने पर भाई को चाकू से घायल किया, अस्पताल में भर्ती। छपरा में 22 साल की युवती बनी मुखिया, जनरल कैटेगरी की 11 महिलाओं के बीच थी अकेली एससी कैंडिडेट, 314 वोटों से जीती। गोपालगंज में बहू को पंचायत चुनाव में मिली हार तो बर्दाश्त नहीं कर पाई सास, सदमे की वजह से हो गई मौत। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत पहुंची बिहार, पटना से लेकर तमाम जिलों में खोजे जा रहे विदेश से आने वाले लोग। राजेश गुप्ता अब नहीं रहे सासाराम नगर निगम आयुक्त, निगरानी की रेड के बाद कार्रवाई, विवादों में था 4.5 माह का कार्यकाल। मुजफ्फरपुर शहर की बेटी की उपलब्धि, आशा दीपाली को मिला द्वितीय रविनेश शर्मा स्मृति सम्मान। अब 7 दिसंबर तक सेहत को लेकर रहे अलर्ट, ठंड गर्म के बीच मौसम ने बढ़ाई बीमारी, सांस और हृदय रोगियों के साथ बच्चों पर अटैक।